बड़ी खबर, वन रैंक वन पेंशन में पेंशन धारकों की इक्वल एमएसवी की मांग तथा कम्यूटेशन और वन रैंक वन पेंशन की जो 121 टेबल जारी की गई है जिसमें बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारा एरियर कम दिया गया है ओआरओपी को, उसकी डिमांड पर पेंशन भोगी व पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज हमारे बीच निकल के आ गई है। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी टू की तीन बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक एकजुट हो चुके हैं। जी हाँ, आर्मी नेवी एयरफोर्स के सभी जवान, रिटायर्ड जवान एकजुट होने के बाद वन रैंक वन पेंशन पर आप देख ही रहे होंगे ओआरओपी टू तथा जेसी और ओआर के बहुत ही कम एरियर दर्शाया गया है जिसमें ऑफिसर को बहुत फायदा किया गया है। काफी लोगों का मानना है कि वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं, जो एनोमलीज है, जो डिस्क्रिपेंसीज है, उसके ऊपर आवाज उठाई जाए। सबसे तेज और सबसे पहले आपको मैं खबर दे रहा हूं वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी टू का सबसे बड़ा, यहां पे आज बातें बताएंगे, बिग प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सबसे पहले बता दें सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक तमाम मिलिट्री वेटरनर्स को कि अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ईजी है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बगल में एक छोटी सी घंटी है, दोनों को दबा लें ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट से रूबरू हम करा पाएं। जी हाँ, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी टू के रिगार्डिंग यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट हमारे बीच आ गई है। चलिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ वन रैंक वन पेंशन का मतलब निकल के आ रहा है कि ये पूरा फायदा ऑफिसर को जा रहा है। देखिए, ओआरओपी टू ओआरओपी वन विल इंडियन एक्सर्विस मूवमेंट को टैग किया हुआ, इन्होंने बताया कि विल डिस्क्लोज हाउ मच दे कलेक्टेड फॉर ओआरओपी एलिगेशन एंड लीगल केस फ्रॉम जेसीओज एंड ओआर एंड व्हाई इक्वल एमएसपी वाज नॉट डिस्कस्ड व्हेन एंड। देखिए, यहां पे इक्वल एमएसपी की मांग है, कम्यूटेशन की मांग है, फैमिली पेंशनर व पेंशन धारक पेंशन भोगी जो हमारे सोल्जर्स हैं, रिटायर्ड जवान हैं, उनकी हक का यहाँ पे एक प्रदर्शनकारी देख रहे हैं आप। राणा संघा जिन्होंने यहाँ पे 16 घंटा पहले ओआरओपी टू का अपडेट दिया है और कहा है कि ओआरओपी टू का बोलबाला इन मीडिया, बिग प्रोटेस्ट बाय जेसीओ एंड जवान ऑन 20 फरवरी 2023 इन दिल्ली, यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारे पास ट्विटर के माध्यम सबसे तेज प्रधान टाइम्स देख सकते हैं आप। भारत के सभी भूतपूर्व सैनिक आर्मी नेवी ओआरओपी के खिलाफ 20 फरवरी को दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इनकी मांग है वो सबसे पहली मांग तो ओआरओपी टू का एरियर से रिलेटेड है जिसमें बहुत ही जेसीओ को तो बिल्कुल उनकी अहमियत ही खत्म कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल ग्राफ डाउन हो गया है और ऑफिसर का तो पूरा बढ़ गया है। आपको पता ही होगा कि आपने देखा भी होगा और सबने देखा है और देख है, सबने जाना है, सबको पता है कि फौज से जो प्री मैच्योर जो पहले लाइन तोड़ कर जाते हैं और जितने भी हमारे हवालदार हैं उनको बहुत बड़ी भूमिका होती है सेना में, जिनका एरियर उतना नहीं मिल पाया जिसके कारण उनको अब धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। 16 फरवरी की शाम ओआरओपी के नाम भी होने वाली है, 16 फरवरी से आपका एरियर भुगतान जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक हमारे तमाम मिलिट्री वेटरनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट निकल के आ गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे रिटायर्ड जवानों के ऊपर सब कुछ लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ट्विटर हैंडल में देख सकते हैं। सुरेश कुमार राणा बताते हैं कि वन रैंक वन पेंशन और ओआरओपी टू में भारतीय सेना के जवान जेसीओ साथ जो नाइंसाफी हुआ है उसके पीछे भारतीय सेना के रिटायर अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। देख सकते हैं आप, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं या ट्विटर हैंडल में राणा संगा कर देख सकते हैं ट्विटर के। जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलता है।